नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। ये है Realme का C12 या C25 होगा मेरे ख्याल से, यही मॉडल होगा शायद, C12 ही समझ लीजिए। तो इसमें ये वाटर डैमेज हुआ है ये फ़ोन, और ये मेरे पास डेड आया है। तो जब हम यहाँ पे, ये हमारा बूट केबल है और यहाँ पे इसको हम जब बूट केबल को लगा रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं लगा के दिखा दूँगा आपको। ये पावर डीसी सप्लाई का बूट केबल है। तो यहाँ पे हमने इसको दबाया और यहाँ पे देखिए कि ऑटो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, ये देख रहे होंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है और ये डेड है, शायद वाटर डैमेज हुआ है, ये दूसरे शॉप से आया है। तो आज हम इसी का रिपेयर करने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे मामला ये है कि सबसे पहले हमें देख लेना है कि कहाँ पे, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी लगा हुआ है। तो ये भी सेंसर के पास पानी लगा हुआ है, ये भी कारण हो सकता है डेड का, इसमें कह नहीं सकते हैं। तो बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है, और ये दूसरे शॉप वाले पता नहीं क्या करते हैं यार, देखते भी नहीं हैं। इसको हमने रिमूव किया है सिंपली, दो पार्ट्स हमने, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर था, इसको हमने रिमूव किया है, ठीक है। ये शायद हो सकता है इतना से ही ठीक हो जाए, ये कह नहीं सकते। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से बूट केबल लगा के देख लेते हैं। ये हमारा बूट केबल है और यहाँ पे हम लगाते हैं तो अभी भी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये हमें प्लेट बाहर पहले करना है। स्पेक्ट्रम का आईसी लगा हुआ है, इसमें दिया गया है स्पेक्ट्रम। इसको हमने बीप मोड पे कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे लाइट आईसी है, दिया गया डायोड है, और ये हमने बीप मोड पे मीटर को लगा रखा है। अब यहाँ से आपको हम शॉर्टिंग चेक करके दिखाते हैं। तो इसको हमने ग्राउंड पे ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर है जो सेकेंडरी लाइन का है, ठीक है। ये देखिए, ये शॉर्ट आ रहा है यहाँ पे, और ये डायोड के पास भी हमारा शॉर्ट ही आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए शॉर्ट आ रहा है। तो इसी के कारण ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि शॉर्ट कौन सा पार्ट्स है। इसके लिए हम पहले तो ये हमारा शॉर्टिंग किलर है जिसको हमने 6 वोल्ट पे सेट कर रखा है, ठीक है। इस जगह भी हमें ये भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि वाटर ऐसा चीज़ है कि कहीं भी पानी जा सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर इस तरीके का शॉर्टिंग आपको मिलता है तो सबसे ज़्यादा आपको नेटवर्क के एरिया से ही आएगा। ये देखिए, मैं ठीक बता रहा था आपको, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अधिकतर केस नेटवर्क के एरिया से ही आ जाता है। ये
ये देखिए कितना सारा वाटर डैमेज है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं तो यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग, 4G IC के पास है, बहुत जगह पे है। तो इसे बारीकी से हमें थोड़ा थोड़ा जो कंपाउंड्स है उसको हमें हटाना पड़ेगा। ये देखिए ये सारे कंपाउंड्स हम हटा रहे हैं क्योंकि इसी से प्रॉब्लम है। चलिए, दो कैपेसिटर और एक डायोड हमने हटाया है यहाँ से, इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। यहीं से प्रॉब्लम था और ये शायद अब ये फ़ोन ऑन भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब इसको ऑन करके देखते हैं तो ये बिल्कुल ऑन हो जाएगा अब, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो देख सकते हैं बिल्कुल ये सही हो चुका है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है और जो नेटवर्क आईसी के पास हमने कंपाउंड्स हटाए हैं वहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है जिसके पास 4G और PFO IC से सीरीज होता है एक वोल्टेज पावर के लिए। तो वो हमने हटाने के बाद उसका जो लाइन है वो कट गया है, तो उसे हमें जम्पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो सारा काम हो गया, अब ये थोड़ा सा डाउन है, ये थोड़ा सा डाउन है, तो यहाँ पे हम एक जम्पर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने जम्पर लगा दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक जम्पर लगा दिया है। तो इससे ये होगा कि हमारा नेटवर्क 2G भी काम करेगा ऐसे, फिर 4G सिर्फ करता अगर ये हमने जम्पर हटा दिया तो, ठीक है। अब इसको हम ऑन करके भी दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा बैटरी लो है। तो अब हम इसको चार्ज पे लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा फोन ओके हो चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको चार्ज होने देते हैं, उसके बाद ऑन करके भी आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1% चार्ज हो गया है। इसको ऑन भी करके देख लेते हैं, फोल्डर में भी पानी गया हुआ है यहाँ पे, तो 1% यहाँ पे चार्जिंग है और ये सारा काम हमारा हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।